हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास आया है यामाहा फासिनो, इस बाइक सर्विस करने के लिए आया है। और देखिए, टोटली खोलने का काम भी हो गया। और बहुत सारे दोस्त ने कमेंट करके पूछा यामाहा फासिनो का फ्रंट फॉक ऑयल का मेजरमेंट, तो आज इस वीडियो के जरिए से वो दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये टोटली खोलना है। अभी जो पुराना वाला ऑयल है उसको बाहर करना है, ये पुराना वाला ऑयल को चेंज करना है। और चेंज करने के लिए देखिए, इसके ऊपर नट नहीं है, ये थोड़ा दबाने के एक लॉक देखने को मिलेगा, वो लॉक को बाहर करना है, नहीं तो पुराना ऑयल चेंज होगा नहीं। देखिए, ये खुलने का थोड़ा दिक्कत ही होता है, तो अभी ये खुलता हूँ। दबाओ, देखिए अभी मेरे को ये लॉक को नीचे की तरफ दबाना है। देखिए, टोटल साइड दिखाई दे रहा है। देखिए, टोटली नीचे की तरफ नमाने का काम हो गया। अभी देखिए, बाहर भी हो गया, दिखाई दे रहा है छोड़ो। देखिए, लॉक बाहर हो गया, ये बाहर हो गया। अभी ये पुराना ऑयल को फेंकना है और साफ सफाई करने के बाद नया ऑयल का जो मेजरमेंट वो करना है। तो अभी ये टोटली क्लीन करने के बाद दिखाता हूँ। देखिए दोस्त, ये साफ सफाई करने का काम तो हो गया। अभी मेरे को ऑयल का जो मेजरमेंट वो मेजरमेंट करना है। तो ऑयल मेजरमेंट करने के लिए आपको ईमेल के जरिए से ऑयल मेजरमेंट करना है। देखिए, अभी ये यामा का जेन्युइन ऑयल, एक बार खरीदने से तीन बार होगा। देखिए, पहले एक बार डाला है, अभी जो बचा हुआ ऑयल था वही डालना है। देखिए, ये डालने के टाइम आपको कितना डालना है, 81 ml डालना है। एक नंबर भी 81 ml डालना है, उनमें 1-2 ml ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये मेजरमेंट हो गया, अभी ये डालना है। और डालने के बाद मेरे को लॉक करना है। देखिए, ये बराबर आ गया। अभी ये डालने के बाद लॉक कैसे करना है वो भी देख लीजिए। देखिए, ये हो गया। अभी स्प्रिंग देना है, उसके बाद मेरे को लॉक करना है। देखिए, स्प्रिंग डालने का काम भी हो गया। मेरे को बुश और लॉक देना है, ये बल्ब बुश। देखिए, अभी इसको सेट करना है। और सेट करने का टाइम देखिए, तो दबाना है। देखिए, लॉक अभी सेट होने वाला है। देखिए, लॉक भी सेट हो गया। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताया वो जरूरी अच्छा लगा होगा। जितने बस, ओके बाय।